हे एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ सॉफ्ट आई विद बोल लिप कलर मेकअप लुक, एंड इसे आप कैरी कर सकती हो अपनी वेस्टर्न ड्रेसेस पे, बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब लगेगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइजिंग करूँगी और मैं यहाँ पर वॉटरी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ अपनी पूरी फेस पर। एंड देन मैं अप्लाई करूँगी अपनी लिप बाम लिप्स को मॉइस्चराइजिंग करने के लिए, एंड ये मुझे मिला था ग्लैमिगो बॉक्स में। फिर मैं अप्लाई करूँगी निक्स का प्राइमर, फोटो जेन प्राइमर। आईब्रो को फिलअप करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ADS का पाउडर प्लस 2-in-1 जेल लाइनर, एंड मैं ये से ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ जेल बेस। इसे मैं अपनी आईब्रो को फिलअप करूँगी जैसे कि मेरे आईब्रो नेचुरल है उसी टाइप में ही। एंड अब मैं फिर मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी अपनी स्टार्टिंग लाइन पे, जो कि मेरा आईब्रो नेचुरल सा दिखे। एंड देन मैं उसके बाद मैं SFR का कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं अपनी आईब्रो को शार्प लूंग दूंगी एंड अपनी आईलिड्स पे भी अप्लाई करूँगी आई बेस के लिए। आई बेस बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका आई शेडो जो भी अप्लाई करेंगे वो अच्छी तरह से पॉप आउट होके आए, अच्छी तरह से क्लियर दिखे। अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से। उसके बाद मैं थोड़ी सी लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी लोअर लैश लाइन पे भी आई शेडो लगाऊँगी इसीलिए। उसके बाद मैं वॉप का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसे कंसीलर को सेट करने के लिए। फिर मैं SFR का मैट आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड इसमें से मैं ऑरेंजी शेड यूज़ करूँगी और मैं पिक कर रही हूँ बहुत ही कम क्वांटिटी। आप देख सकते हैं बहुत ही कम सा थोड़ी सी शेडो लुक दिखने के लिए मैंने लगाई है क्योंकि मुझे बहुत ही सॉफ्ट लुक चाहिए इस लुक में। एंड थोड़ी सी मैंने लोअर लैश लाइन पर भी फिल किया है। उसके बाद मैं मीनाओ का काजल, वाइट काजल ले रही हूँ, इसे मैं लोअर लैश लाइन पर सिर्फ लगा रही हूँ। उसके बाद मैं लैक्मे का लाइनर लेके इससे मैं विंग लाइनिंग ड्रॉ करूँगी जैसे कि मुझे पसंद है, एंड मैं जैसे रेगुलर लगाती हूँ इसी टाइप में मैं विंग लाइनिंग क्रिएट करूँगी। उसके बाद में मैं NYBA का काजल यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं लास्ट लाइन पे सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ मेरे व्हाइट लाइनर के नीचे ठीक। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी पैलेट से ये ब्लू शेड लेके मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे फिल कर रही हूँ थोड़ी सी पॉप लुक दिखे, एंड उसे मैं अच्छी तरह से स्मर्च करते हुए अप्लाई करूँगी। देन मैं मस्कारा के लिए वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड इसे मैं थोड़ी सी थिकर लेयर में अपर एंड लोअर लैश लाइन पर लगाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पर अब कुछ इस टाइप में मैंने अप्लाई किया है। एंड देन मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन, मैबेलिन फिट मी फाउंडेशन मेरा शेड है 230 एंड इसे मैं नेक पार्ट पे भी अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लूँगी एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाई है, फाउंडेशन का बहुत ही कम सा लगाया है। अच्छी तरह से ब्लेंड करने की बाद में मैं यूज़ करूँगी सेम SFR का कंसीलर पैलेट से ये शेड, लाइटर शेड। इसे मैं अपनी अंडर आई पे लगाऊंगी एंड थोड़ी सी डार्कर शेड भी मैं मिक्स कर रही हूँ अंडर आई के लिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड हो जाएगा इसीलिए। नोज़ ऑफ द ब्रिज, टिप, क्यूपिड्स बो एंड चिन पे, फोरहेड पे भी थोड़ी सी, और इसे भी मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं ये डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ लेकिन ये शेड इस पैलेट में बहुत ही वेस्ट है। इस पैलेट में आपको जो लाइटर कलर है कंसीलर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये पैलेट, लेकिन इसका जो डार्कर शेड है वो बहुत ही नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। अगर आप डार्कर कलर हो, मीडियम टू डार्कर कलर हो तो कुछ भी नहीं
देखिएगा, वाइट कलर हो मतलब फेयर कलर हो तो थोड़ी बहुत दिख जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये डार्कर कलर। फिर मैं उसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। फिर मैं ADS का ब्राउज़र पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं डार्कर शेड लूँगी एंड मैं लगाऊंगी चिक्स पे, जहाँ पे मैंने लगाई थी कंटूरिंग किया था वहीं पर ही मैं कर रही हूँ, अपने चिक्स पे, जॉ लाइन पे, नोज़ पे थोड़ी सी एंड फोरहेड पे थी थोड़ी थोड़ी। उसके बाद मैं ब्लश के लिए सेम हुडा ब्यूटी पैलेट पिंक शेड मैंने अप्लाई किया है एंड देन मैं अप्लाई करूँगी मीनाओ का हाइलाइटिंग ग्लो पैलेट और इसमें से मैं अपनी चिक्स पे लगाऊंगी जहाँ पे मैं रेगुलर लगाती हूँ, थोड़ी सी ब्रो बोन पे, नोज ब्रिज पे एंड टिप में, क्यूपिड्स वो चिन पे, थोड़ी सी फोरहेड में भी और इसी टाइप में मैं लगा रही हूँ। उसके बाद मैं ADS का ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं अच्छी तरह से आउटलाइन लगाऊंगी, थोड़ी सी आउटलाइन में डार्कर टोन दिखने के लिए। उसके बाद मैं किस ब्यूटी का ये लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ एंड ये बहुत ही अच्छा कलर है, इसमें मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड होगी तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो भी मेरा फेवरेट। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स को, और अगर आप लोग को ये लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और जितना भी इस वीडियो पे मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही में आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।